स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये है चाहते में कीर्तिका हो गया है मर्डर और सारा इल्जाम आ गया है रुद्र पर। लेकिन यहाँ पर प्रीशा इतनी जल्दी रुद्र को किसी मुसीबत में नहीं जाने देगी। अब पुलिस इंस्पेक्टर जो बार बार यही जिद कर रही हैं कि वो रुद्र को अरेस्ट करके लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि प्रीशा रुद्र का साथ देती हुई नजर आएगी और तब प्रीशा सब घर वालों को कीर्ति के बारे में सारा सच बताएगी कि पिछले 10 साल से उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी और इतने समय से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी जहां से उसने भागने की भी कोशिश की और आखिरकार पिछले साल वो वहां से भाग ही गई। वो इस हद तक पागल थी कि वो किसी की जान भी ले सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी जान खुद ही ले ले। अब यहां सब घर वाले बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर कोई भी बात नहीं सुनते। तब प्रेशा कहती है कि अगर आपको शक है तो आप भी उस मेंटल हेल्थ क्लिनिक में जाकर पूछ सकते हैं कीर्ति के बारे में जहां कल रात को मैं सबूत इकट्ठा करने के लिए गई थी। तब मिस्टर बलराज भी प्रीशा का साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ ये सही कह रही है और वैसे भी रुद्र मेरा बेटा है, वो किसी की जान नहीं ले सकता। यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर इस बात के लिए राजी हो जाएगा कि वो उस मेंटल हेल्थ क्लिनिक पर जाएगा और कीर्ति के बारे में पता करेगा। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर हर कोई अब सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता है। ये बात जब युवराज सुनता है तो फटाफट से सीसीटीवी फुटेज रूम में जाता है जहाँ के मैनेजर को वो वहां से बाहर भेजता है और वो सारी फुटेज डिलीट कर देता है जिसमें वो दिखता है कि वो छत पर जा रहा है। यहाँ युवराज बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसने अपने सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया है। और जब पुलिस इंस्पेक्टर उस सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे तो एक बार फिर उनका शक रुद्र पर काफी गहरा होगा क्योंकि रुद्र गया कीर्ति के साथ था और आया अकेला। लेकिन यहाँ पर प्रीशा पूरी तरह से साथ देती हुई नजर आएगी रुद्र का। इसी के साथ आप देखेंगे कि जब सब जाएंगे उस मेंटल हेल्थ क्लिनिक पर जहां प्रीशा युवराज के साथ आखिरी रात आई होती है, तब वो जाकर वहां बताएगी और उनसे पूछेगी कि आप इन सब को वही बताइए जो आपने कल मुझे बताया था कीर्ति की हालत के बारे में। और तब वो डॉक्टर साफ साफ मना कर देगा कि आप कौन हैं और किसके बारे में बात कर रही हैं, यहाँ पर कीर्ति नाम की कोई भी पेशेंट नहीं थी। ये हानि बुरी तरह से फंस चुकी है प्रीशा जो देना चाहती है रुद्र का साथ, लेकिन एक बार फिर से प्रीशा खुद ही फंस चुकी है मुसीबत में। तो अब किस तरह से ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी प्रीशा, ये सब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते रहिए स्टार प्लस पर ये है चाहते।